और अब देखिए हमारे साथ जुड़ रही हैं एक और भारतीय स्टूडेंट छाया, उनके पास चलते हैं बातचीत करने के लिए। छाया, किस जगह पर मौजूद हैं आप यूक्रेन में और आसपास कैसी स्थितियां हैं ये हम आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं आपको हिंदुस्तान की तरफ से पूरा अश्योरेंस ये दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसी का बाल भी बांका नहीं होगा जो हिंदुस्तानी वहां रह रहा है, और उसको आज नहीं तो कल सुरक्षित सरजमीन पर लाया जाएगा हिंदुस्तान की। अब अपनी बात बताइए। हेलो सर। सर बताइए मैम। सर हम यहाँ यूक्रेन में विनिट्सा शहर में हैं और आज ही सुबह यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी सेफ नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम। आज ही सुबह, मतलब हम रात भर से तो जागे हुए थे, बट सुबह ही आज हमें पता चला 4 बजे के समथिंग सायरन की आवाज आई। तो यहाँ रूल है कि 3 सायरन पे हमें बंकर्स की साइड जाना है। तो हाँ, हमें लोकेशन शेयर की गई है बंकर्स की, लेकिन हमारे हॉस्टल के आसपास मतलब इतना कि हम तुरंत ही चले जाएं ऐसा कोई बंकर नहीं है। पहले हमें ऐसा सुनने में आया कि हॉस्टल के नीचे शायद बेसमेंट में कुछ है, बट आज जब सुबह हमें 4 बजे नीचे जाना पड़ा तो वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं था। फिर हमें ऐसा भी बोला गया है कि अगर सायरन्स बजते आपको सुनाई देते हैं तो आपको बाहर नहीं निकलना है, लेकिन हमारे साथ हमें यहाँ से हट के हमारी यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। मतलब सामने हमारा यूनिवर्सिटी है तो हमें वहाँ जाके, वहाँ के बेसमेंट में जाके हमें आज सुबह 4 से 6 हम पहुंचे। इंडियन जो आपके साथ है इस हॉस्टल में और आपका जो हॉस्टल मैनेजमेंट है वो क्या कह रहा है अभी इस सिचुएशन पर? मैम, एवरीवन इज सेइंग दैट चेक मैसेजेस फ्रॉम एम्बेसी एंड दे विल हेल्प एंड कोई कुछ नहीं बता रहा। और यहाँ पे स्टूडेंट की का नंबर लगभग 2000 से 2500 के समथिंग होगा विनिसा में। और आज सुबह भी जब हमें पता चला कि हमें जाना है तो कोई ऐसी हेल्प नहीं थी, बस इतना था कि भाई इट्स ऑल अप टू यू, गो टू योर बंकर्स, दैट्स ऑल। छाया, आपके पेरेंट्स से आपकी बात हुई? जी मैम, मैं अपने पेरेंट्स से लगातार कॉन्टेक्ट में हूँ अभी तो फिलहाल, बट कई बार सुनने में आ जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड नेट भी बंद हो सकता है कभी भी किसी भी टाइम। तो हम यहाँ पे सिर्फ नेट के बेसिस पे हैं, अगर नेट कनेक्टिविटी खत्म हो गई तो हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं बचेगा अपने फैमिली मेंबर से। छाया, अभी आप जहाँ हैं सेफ रहिए और इसी अश्योरेंस के साथ कि आप वापस देश वापसी करेंगी, सुरक्षित देश वापसी करेंगी, और उसके लिए भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके साथी निश्चिंत रहिए, जल्द ही ऐसा होगा कि आप भारत की सरजमी पर होंगी। थैंक यू सो मच छाया हमसे बातचीत करने के लिए। और क्या चल रहा है वहाँ, छाया आपको बता रही थी वहीं पर स्टूडेंट्स हैं और कीव की तरफ जाते रशियन सैनिकों का एक वीडियो भी सामने आया है। रूस के जंगी बेड़े में करीब 56 वाहन शामिल है जो कि कीव की तरफ रुक कर रहे हैं। रशियन सैनिक कीव की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रशियन सैनिकों का यह काफिला है और इसमें लगभग 56 सैन्य वाहन इंक्लूडेड है रूस के इस जंगी बेड़े में जो कीव का रुक कर रहे हैं, कीव के रास्ते में है। तस्वीर है इस वक्त आप देख रहे हैं और ये सैन्य बेड़ा, 56 सैन्य वाहन इसमें शामिल है जो कीव की तरफ जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई। और अब देखिए ये अहम खबर, रूस के जंगी बेड़े में करीब 56 सैन्य वाहन यूक्रेन के स्टारोबिल्स में रूस के एयर स्ट्राइक में रिहायशी इलाकों को नुकसान, रूस के हमले में एक यूक्रेन के नागरिक की मौत की भी खबर। तो एक बार फिर से ये लग रहा है कि ये चूक तो नहीं हो सकती है, निश्चित रूप से कुछ जगहों पर शायद सिविलियन जगहों को भी चिन्हित किया गया है। रूस ने ऐसा क्यों किया है ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि ये कम से कम कोई मिलिट्री बेस नहीं है जहाँ पर इस बार ये हमले की तस्वीर आ रही है। और ये है यूक्रेन में हमले की तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें। ये पूरा अपार्टमेंट, ये एक लंबा चौड़ा अपार्टमेंट है और इसके कई हिस्से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। कई हिस्से आप देख रहे हैं जो अब काले पड़ चुके हैं, ध्वस्त से हो रहे हैं, वहां पर जाहिर है मिसाइल अटैक हुआ है और इसकी वजह से ये TV9 भारतवर्ष पर पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये निश्चित रूप से एक बार फिर से ये कोई मिलिट्री बेस नहीं है, ये
सिविलियन ठिकाना है और सिविलियन ठिकाने पर इस तरह का हमला अगर बोला गया है तो निश्चित रूप से निंदनीय है। रूस की तरफ से ऐसा क्यों किया जा रहा है यह भी समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से जब आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इस समय टीवी 9 भारत वर्ष पर यह पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब वहां यूक्रेनियन अधिकारी भी पहुंच गए हैं, रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, वहां देखा जा रहा है कि हताहत तो नहीं है कोई, अगर है तो उसको सबसे पहले अस्पताल की तरफ ले जाया जाए। और कल यूक्रेन की तरफ से यह भी कहा गया कि ये बर्बरता की और शैतानियत की हद है कि इस दौरान अस्पतालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है और अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्या ऐसा वाकई हो रहा है यह भी समझने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये कितना गंभीर उल्लंघन है युद्ध के दौरान सोवियत युद्ध के दौरान रूस की तरफ से, और आने वाले दिनों में इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। क्या सैंक्शंस की बात कहकर दुनिया ने एक तरीके से बाकी मामलों में इसको स्कॉट फ्री छोड़ दिया है, या कुछ एक चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर कही गई बातों से उल्टा भी कुछ देखने को मिल सकता है और मिलिट्री एक्शंस भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ से मतलब नेटो की तरफ से जो कहा गया कि हमारे फाइटर जेट्स तैनात हैं और तैयार हैं, क्या वाकई उधर से कुछ देखने को भी मिल सकता है, क्या कुछ ऐसी परिस्थिति बना सकता है इस दौरान रूस जिसमें उधर से हमला अवश्यंभावी हो जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।